हेलो फ्रेंड्स, यूनिफाइड फिट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 27 जून से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं तथ्य हैं उनके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सन 1693 ईस्वी में आज ही के दिन लंदन में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज मर्करी का प्रकाशन शुरू हुआ था। सन 1838 ईस्वी में आज ही के दिन राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म हुआ था। सन 1893 ईस्वी में आज ही के दिन सिख साम्राज्य के संस्थापक पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था। सन 1940 ईस्वी में आज ही के दिन सोवियत सेना ने रोमानिया पर हमला किया था। यह उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध का समय था। सन 1964 ईस्वी में आज ही के दिन तीन मूर्ति भवन का नाम बदलकर नेहरू संग्रहालय या नेहरू म्यूजियम बनाया गया था। सन 1967 ईस्वी में आज ही के दिन लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला ATM स्थापित किया गया था। सन 1967 ईस्वी में आज ही के दिन भारत में निर्मित पहले यात्री विमान HS-748 को इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था। सन 1991 ईस्वी में आज ही के दिन यूगोस्लाविया की सेना ने स्लोवेनिया के स्वतंत्र होने के 48 घंटे के भीतर ही छोटे से देश पर हमला कर दिया था। सन 2002 ईस्वी में आज ही के दिन G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए थे। 2005 ईस्वी में आज के दिन ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। 2008 ईस्वी में आज के दिन 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ विजय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पूर्व थल सेना अध्यक्ष सेम मानिकशॉ का निधन हुआ था। 2017 ईस्वी में आज के दिन पेट्या मेलवेयर के साइबर अटैक ने 64 से अधिक देशों में संगठनों को प्रभावित किया था। 2018 ईस्वी में आज ही के दिन जापानी अंतरिक्ष यान हायाबुसा 2 हीरे के आकार के क्षुद्र ग्रह रयुगु पर पहुंचा था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप 2021 में 3 स्वर्ण पदक जीते थे। उन्होंने पेरिस में रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा 6-0 से जीत कर अपनी हैट्रिक पूरी की थी। 2021 ईस्वी में आज के दिन पीएम मोदी ने गुजरात में काइजन अकादमी और जैन गार्डन का उद्घाटन किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परियोजना का उद्घाटन करते हुए पीएम ने गुजरात में मिनी जापान बनाने के अपने दृष्टिकोण के बारे में विस्तार से बताया था। 2021 ईस्वी में आज के दिन सैफ अली वर्मा सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेटर बनी थी। उन्हें इंग्लैंड की महिलाओं के खिलाफ पहले वनडे के लिए चुना गया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन भारतीय मुक्केबाज अमित पंघाल ने पुरुषों के 52 किलोग्राम फ्लाईवेट वर्ग में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी के रूप में टोक्यो ओलंपिक में प्रवेश किया था। पंघाल को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बॉक्सिंग टास्क फोर्स द्वारा जारी रैंकिंग में नंबर एक के रूप में स्थान दिया गया था। 2021 ईस्वी में आज ही के दिन आंध्र प्रदेश ने सरकारी स्कूलों में मूलभूत शिक्षा को बदलने के लिए एक सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन कार्यक्रम शुरू किया था, जिसके लिए विश्व बैंक ने 250 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी थी। 2021 ईस्वी में आज के दिन सहायक उप निरीक्षक तुकाराम ओम्बले के नाम पर मकड़ी की एक नई खोजी गई प्रजाति का नाम ICS तुकारामी रखा गया था। 2022 में आज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस इंटरनेशनल डे है। संयुक्त राष्ट्र सूक्ष्म लघु और मध्यम आकार का उद्यम दिवस 27 जून 2017 से प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। यह स्थानीय और वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में MSME के काम और सतत विकास में उनके योगदान का जश्न मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। तो ये थी आज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।